स्टूडेंट्स हाउ आर यू टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लिटरेचर ऑफ क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज कैसा भी आना स्टूडेंट्स ओके दिस इज ए पोयम एंड दिस पोयम इज कम्पोज बाय फेलिसिया हीमेंस ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द पोएट Felicia Hemans was a British poet. Felicia Hemans was a British poet. She was highly regarded by other great poets of her time like William Wordsworth. Her poems became popular in both England and America. Okay? Kaisa Biyana is her most popular poem. This poem is her most popular poem. ओके सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द समरी ऑफ द पोयम कैसा भी आना ओके स्टूडेंट्स आई होप यू विल हैव परचेज द बुक सो जब आप लोग मेरा वीडियो देखोगे तो उस समय आप अपनी टेक्स्ट बुक को जरूर खोल करके फर्स्ट चैप्टर सामने रख लेना और उसको देखते रहना पढ़ते रहना ओके तो समरी बताते हैं ओके दिस पोयम इज अबाउट द एक्चुअल इंसिडेंट ओके स्टूडेंट्स दिस पोयम इज अबाउट द एक्चुअल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन 1798 ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द नाइल वेयर कैसा बियाना अ 12 ईयर ओल्ड बॉय The son of Lewis Julian Joseph was the commander of a warship. Okay? ये जो पोयम है बच्चों एक्चुअल इंसिडेंट को रिफ्लेक्ट करता है इसमें 1798 के समय जब बैटल हुआ था ओके तो उस बैटल में 12 साल का एक बच्चा था जिसका नाम था कैसा बियाना ठीक है जो कि लुइस जूलियन जोसेफ जो कि फ्रांसीसी जो है युद्ध पोत का कमांडर उसका लड़का भी वहां पर होता है और उसी लड़के के बारे में कैसा बियाना के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कैसा बियाना जो है बहुत ही बहादुर था ओके द स्पीकर इन द पोयम नरेट्स दैट कैसा बियाना वाज स्टैंडिंग अलोन ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप स्पीकर बतलाती है स्पीकर ओके कि कैसा बियाना जो है शिप पर अकेले पड़ा रहता था ओके विच वाज ऑलरेडी कॉट बाई फायर उस शिप में आग लग जाती है ठीक है ना उस सीप पर जितने भी वॉरियर्स होते हैं सबके सब मारे जाते हैं सीप जो है आग पकड़ लेता है उसी सीप को जो है चलाने के लिए एडमिरल होते हैं जूलियन जोसेफ उनकी हत्या हो जाती है और उन्हीं का बेटा होता है कैसा भी आना ठीक है ना तो वह जो है लड़का उस पर अपनी सूझबूझ सब दिखलाता है किस तरह से आइए हम उसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स हाँ तो पहला स्टैंजा है बच्चों देख लो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड द फ्लेम दैट लीट द बैटल्स रेक सून राउंड हिम ओवर द डेड ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ओके दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैसा भी आना रिटन बाई फेलिसियस हीमेंस ओके दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैसा भी आना Composed by, written by Felicia Hemans. ये reference हो गया
अर्थात ये पक्तियां जो हैं कैसा बियाना नामक पाठ से लिया गया है। और इस पोयम का जो पोएट है वो फेलिसिया हिमेंस है। ओके, फेलिसिया हिमेंस लेडी हु कम फ्रॉम ब्रिटेन। नाउ कॉन्टेक्स्ट, इन द पोयम पोएटिस कन्वीज द मैसेज ऑफ ब्रेवरी। इन दिस पोयम ओके द पोएटिस कन्वीज द मैसेज ऑफ ब्रेवरी, सैक्रिफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैट्रियोटिज्म एंड डिसिप्लिन थ्रू द स्टोरी ऑफ कैसा बियाना। मीन्स इस पोयम में जो पोएट है या पोएटिस है वह कैसा बियाना किस तरह से जो है ब्रेव होता है, कैसा सेक्रीफाइस करता है, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, कैसा वो पेट्रियोटिक होता है और कितना वेल डिसिप्लिन्ड होता है, ओके उसकी स्टोरी के माध्यम से जो फेलिसिया हिमेंस बतलाती है। ओके स्टूडेंट्स, आइए एक्सप्लेन करते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डे व्हेन ऑल बट ही हैड फ्लेड द फ्लेम दैट लीट द बैटल्स रे सोन राउंड हिम ओवर द डेड। इन दीज लाइन्स ओके इन दीज लाइन्स द पोएटिस टेल्स दैट कैसाबियाना वाज स्टैंडिंग। कैसाबियाना वाज स्टैंडिंग, वेयर वाज ही स्टैंडिंग, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड ऑफ द सी, ऑन द बोर्ड ऑफ द सी विच वाज ऑन फायर। द शिप वाज ऑन फायर ऑन दैट सी डेक, कैसाबियाना वाज स्टैंडिंग। ओके ही वॉज स्टैंडिंग एलोन, कैसाबियाना वॉज स्टैंडिंग एलोन वाइल ऑल अदर्स हैड लेफ्ट द सी। उस सीप पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब लोग छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, पर कैसाबियाना जो है उस जलती हुई युद्धपोत पर अकेले पड़ा रहता है, खड़ा रहता है, डटा रहता है। द फ्लेम दैट लीट द बैटल्स रेक, ये फ्लेम जो है द फ्लेम्स आर फायर राइजिंग ऑन ऑल साइड्स। आग की जो लपटें होती हैं बच्चों चारों तरफ फैलती हैं, हर तरफ जो है लपटें उठती हैं। दीज फ्लेम्स वेयर शाइनिंग ओवर डेड बॉडीज ऑफ द सोल्जर्स किल्ड इन द बैटल। और ये जो लपटें होती हैं उस नाइल बैटल में जो लोग मरे होते हैं, जो वॉरियर्स मारे जाते हैं, उन सारे वॉरियर्स के ऊपर भी ये लपटें जलती रहती हैं, उठती रहती हैं, चमकती रहती हैं। ओके सो वंस मोर आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब द एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट कैसाबियाना वाज स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड ऑफ द सी विच वाज ऑन फायर, ही वाज स्टैंडिंग एलोन व्हाइल ऑल अदर्स हैड लेफ्ट। ओके The flames are fire rising on all sides. The dead bodies of the soldiers caught fire by the flames. While कैसाबियाना was standing alone, all alone on the deck. Okay? समझ में आ रहा बच्चों? पहली स्टेंजा में बच्चों यही कहती है पोएट नरेटर कि एक बच्चा होता है जिसका नाम कैसा बियाना होता है, उसके पापा जो होते हैं फ्रेंच जो एडमिरल होते हैं जो कि वारशिप को चलाते हैं, ठीक है। और तो युद्ध होता है उस समय, और युद्ध जब होने लगता है तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बच्चों युद्ध होता है। ओके द वार ब्रोक बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, और ये कैसा बियाना जो है फ्रेंच होता है, फ्रांस का होता है, ब्रिटेन की वो जो नरेटर होती है जानते हैं आप, फेलिसिया हिमेंस। ओके तो फेलिसिया हिमेंस कहती है कि उस जलती हुई शिप के डेक पर जो है कैसा बियाना खड़ा रहता है, जबकि चारों तरफ से जो भी लोग होते हैं उस शिप पर भाग जाते हैं, छोड़ करके भाग जाते हैं। आग जब पकड़ता है सीप
वार्षिक, तो लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है फेलिसिया या पोएटेस जो डिस्क्राइब करती कि फ्लेम किस तरह से जो है उस जहाज को जलाता है, किस तरह से उस पर जो डेड बॉडी पड़ा रहता है वो जलने लगता है, किस प्रकार से जो फ्लेम्स होती हैं वो चमक उठती हैं। ओके, और इस बहुत ही फियरफुल सिचुएशन में भी वह लड़का ब्रेव की तरह से वहां पर पड़ा रहता है, वह उस डेक को छोड़ करके नहीं भागता। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए दूसरा स्टैंजा बच्चों, आप लोग बुक जरूर देखिएगा, बुक में जरूर है। पहले मैं पोयम को पढ़ रहा हूं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा आप लोगों को। येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, येट बच्चों इस बुक में देखोगे तो येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड एज बॉर्न टू रूल द स्टर्न, ए क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, अ प्राउड दो चाइल्ड लाइक फॉर्म। रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, जिस तरह से आपने पहले स्टैंजा का रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखा, आइए एक बार फिर बतला देते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैसा भी आना, कंपोज्ड बाई और रिटेन बाई फेलिसिया हीमेंस। ओके, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा इसका। इन द पोयम पोएटिस कन्वेज द मैसेज ऑफ ब्रेवरी, सेक्रीफाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेट्रियोटिज्म एंड डिसिप्लिन थ्रू द स्टोरी ऑफ कैसा भी आना। ओके, आइए एक्सप्लेनेशन बताते हैं। इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट द बॉय स्टूड ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप इन स्पाइट ऑफ बर्निंग फ्लेम्स। ओके, शिप का बोर्ड जो है जल रहा होता है, यद्यपि वह लड़का उस शिप पर डटा हुआ रहता है, वह वहां से भागता नहीं है। ही लुक्ड वेरी हार्डसम इन द लाइट ऑफ दीज फ्लेम्स, फ्लेम में बाकी के लोग जो होते हैं भाग उठते हैं, भाग खड़े होते हैं, जबकि ये छोटा सा बच्चा 12 साल का जो कैसा भी आना नाम का बच्चा होता है, फ्रेंच बच्चा होता है, वह मेहनती दिखलाई पड़ता है, वहां से भागता नहीं, बहादुर दिखता है, रिस्पॉन्सिबल दिखता है। क्यों? क्योंकि वह जो सीप होती है उसके पापा उसको चलाते हैं, ठीक है ना, अर्थात उसी की होती है, तो अर्थात वह छोड़ करके भागता नहीं और ओबेडेंट होता है वह लड़का, अपने पापा के आदेश का वह पालन करता है। ही लुक्ड वेरी हार्डसम इन द लाइट ऑफ दीज फ्लेम, इट सीम्ड दैट ही वॉज बॉर्न टू गवर्न ओवर स्टार्स, उसे देख करके प्रतीत होता है जैसे कि मानो स्टार्म पर वह रूल करने आया हो, तूफान में शासन करने आया हो। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ही हैड इनहेरिटेड नोबिलिटी फ्रॉम हिज फोर फादर्स, उसे ये जो बहादुरी जो था, साहस जो था, ये सब अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था, अपने माता पिता से प्राप्त किया हुआ था। जो ही वॉज ऑफ टेंडर एज, ही लुक्ड ब्रेव एंड प्राउड टू कैरी आउट द कमांड ऑफ फादर, यद्यपि वह बहुत ही टेंडर एज का था, कम उम्र का था, फिर भी उस छोटी सी उम्र में अपने पापा के आदेश को पालन करने के लिए बहुत ही बहादुर था। ही वॉज वेरी प्राउड, ही वॉज वेरी वेरी ब्रेव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर, ओके, द कमांड्स ऑफ हिज फादर। वंस अगेन, इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट द बॉय स्टूड ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप इन स्पाइट ऑफ बर्निंग फ्लेम्स, ही लुक्ड वेरी हार्डसम इन द लाइट ऑफ दीज फ्लेम्स, इट सीम्ड दैट ही वॉज बॉर्न टू गवर्न ओवर स्टॉर्म्स, ही हैड इनहेरिटेड नोबिलिटी फ्रॉम हिज फोर फादर्स, जो ही वॉज ऑफ टेंडर एज, ही लुक्ड ब्रेव एंड प्राउड टू कैरी आउट द कमांड ऑफ फादर। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड, दैट फादर फेंट इन डेप्थ बिलो, हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड। ओके,
तो रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट बच्चों पहला जैसे बताया वैसे ही उसको कर सकते हो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम कैसा भी आना कंपोज्ड बाय फेलिसिया हीमेंस, ओके। एंड कॉन्टेक्स्ट लिख देना इन द पोयम पोएटेस कन्वेज द मैसेज ऑफ ब्रेवरी सेक्रीफाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी पेट्रियोटिज्म एंड डिसिप्लिन थ्रू द स्टोरी ऑफ कैसा भी आना, ओके। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टैंजा इन दीज लाइन्स पोएटेस सेज दैट फ्लेम्स रस्ट एट कैसा भी आना हाथ की लपटें जो होती किसी को पहचानती नहीं है, ओके। उस बच्चे की तरफ भी लपटें आ रही थी। द बॉय वॉज ऑल्सो काट आर ही वॉज सराउंडेड बाई द फ्लेम बाई फायर बट ही हैड रिजॉल्व नॉट टू लीव द प्लेस He had determined, the boy had determined not to leave the place, not to leave the ship, as his father permitted him, because his father had told him to stay on that board, on that ship. His father was lying dead in the lower part of the ship. उसके पापा जो थे सीप के डेक पर बोर्ड पर मरे पड़े हुए थे, घायल हो गए थे पहले फिर मर गए थे। सो हिज वॉइस कुड बी हर्ड नो मोर, इसीलिए उस बच्चे की जो आवाज थी उसके पापा तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि ही वॉज नॉट अलाइव ही वॉज डेड। स्टूडेंट्स तो इस स्टैंजा में बच्चा जो है अपने पापा को कुछ बोलता है, लपटें जो है बच्चे की चारों तरफ आ जाती हैं, लड़का जो है वहां से भागता नहीं है। क्यों नहीं भागता है? क्योंकि उसके पापा उसे आदेश नहीं देते वहां से जाने के लिए। ये रिफ्लेक्ट करता है कि वह लड़का जो था ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था, अपने पिता का कहना मानता था। स्टूडेंट्स यू शुड ऑल्सो बी ओबीडियंट, यू शुड ओबे योर फादर मदर टीचर एंड एल्डर्स, ओके। Being obedient is a very good quality. That father fainted in death below. और उसके पापा जो थे बच्चों उस सीप के डेक पर जो नीचे जो है वो मरे पड़े हुए थे। उनकी आवाज जो है उस बच्चे तक नहीं आ सकती थी। He could not hear his father's voice. Or his father, कैसा भी आना father could not hear. कैसा भी अनस वॉइस वाई ही कुड नॉट हियर द साउंड बिकॉज ही वॉज नो मोर ही वॉज नॉट अलाइव ही वॉज डेड। स्टूडेंट्स सो दिस इज द थर्ड स्टैंजा। नाउ द फोर्थ स्टैंजा ही कॉल्ड अलाउड से फादर से इफ येट माई टास्क इज डन ही न्यू नॉट दैट द चीफटेन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। तो रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप लोग पढ़ ही लोगे लिख लोगे, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन बताते हैं। इन दीज लाइन्स पोएटिस टेल्स दैट द बॉय कॉल्ड हिज फादर इन ए लाउड वॉइस, बच्चा जो है तेज आवाज में अपने पापा को बुलाता है, पुकारता है, ओके। कैसा भी है ना called loudly to his father. He asked whether the duty assigned to him was complete or not. पूछता अपने पापा से कि आपने जो मुझे वर्क दिया था क्या वह पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। He did not know that command of द सीप वाज अनअवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज सन, वह नहीं जानता था। कैसा भी आना डिड नॉट नो दैट कमांडर ऑफ द सीप वाज अनअवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज सन, एडमिरल जो थे ओके वो तो मरे हुए थे, इस कारण से वो अपने बेटे की आवाज को पुकार को नहीं सुन पा रहे थे। तो लड़का ये नहीं जानता था, ठीक है, लड़का ये नहीं जान पाता था कि हमारे पिताजी जो हमारे जो कमांडर पापा हैं सीप के जो कमांडर हैं वो हमारी बात से वो वाकिफ है,
हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारा जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए या नहीं भागना चाहिए। जब तक मुझे वो परमिट नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सीक परमिशन फ्रॉम हिज फादर, बट ही वॉज नॉट अलाइव टू परमिट हिम टू गो अवे आर टू फ्ली फ्रॉम देयर, टू लिव फ्रॉम देयर। ओके, नाउ द फिफ्थ स्टैंजा स्टूडेंट, स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, इफ आई मे येट बी गॉन एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड एंड फास्ट द फ्लेम्स रोल्ड ऑन। स्पीक फादर, इन दीज लाइन्स पोएट्री टेल्स दैट द बॉय अगेन क्राइड। ओके, लड़का एक बार और अपने पापा को बोलता है। द बॉय अगेन क्राइड एंड आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गो, वो अपने पापा से पूछता कि क्या मैं जाऊं। ही वॉन्टेड टू से मोर बट हिज वॉइस वॉज ड्रोन्ड इन द मिस्ट ऑफ हैवी नॉइस ऑफ गन्स एंड द फ्लेम्स रश्ड ऑन वेरी फास्ट। वो अपने पापा से बहुत सारी बातें कहना चाहता था, परंतु उसकी आवाज उस शोर शराबे में, उस नॉइजेज में, कैसी नाम नॉइज थी, गन्स चल रहे थे वहां पर, जो आग लगा हुआ था सीट पर उसकी भी आवाज आ रही थी, तो उन सारे शोर गुल में उस बच्चे की आवाज जो है उसके एडमिरल फादर तक नहीं पहुंच पाता था। ओके, नाउ सिक्स स्टैंजा, अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर। ओके, रिफरेंस अगेन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैसाबियाना कंपोज्ड बाय फेलिसिया हिमेंस एंड कॉन्टेक्स्ट इन द पोएम पोएट्रीज कन्वेज द मैसेज ऑफ ब्रेवरी सेक्रीफाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी पेट्रियोटिज्म एंड डिसिप्लिन थ्रू द स्टोरी ऑफ कैसाबियाना। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स पोएट्रीज टेल्स दैट द फ्लेम्स रस्ट एट द पोएम। He felt their heat on his forehead, cheeks, and in waving hair. Though he knew that his death was near, but he stood quiet and calm. He looked around him from place, though he was disappointed. Okay? Thank you very much.